नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का स्वागत करते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों में। दोस्तों, अगर आप लोगों को बताया स्कूल कॉलेज से संबंधित बड़ी जानकारी सामने निकल के आ रही है, जिसमें शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने एक बड़ा फैसला ले लिया है कि 2021 में बोर्ड एग्जामों को कैसे कराया जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कोरोना के समय काफी बड़ा दौर चल रहा है। ऐसे में कोरोना के काल, इस संकट काल में 2021 की बोर्ड परीक्षाओं को कराना एक बहुत ही बड़ा चुनौती के रूप में हमारी सरकार के सामने खड़ा हुआ है। तो ऐसे में बता दें, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा एक नई घोषणा कर दी गई है, जिसके तहत स्कूल कॉलेज संबंधी सभी विद्यार्थियों को इस हिसाब परीक्षाएं करी जाएंगी। साथ में आप लोगों को बता दें कि छात्र छात्राओं के 2021 बोर्ड एग्जाम की तिथियां घोषित कर दी गई हैं और इस महीने से बोर्ड एग्जाम चालू कर दिए जाएंगे 10वीं 12वीं वाले विद्यार्थियों के। आई एक बड़ी खबर दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आप लोगों को इस वीडियो में पूरी जानकारी पता चलने वाली है जो हम आप लोगों को स्कूल कॉलेज से संबंधित देने जा रहे हैं। दोस्तों, फिर चाहे आप 10वीं के विद्यार्थी हों, या फिर आप 12वीं के विद्यार्थी हों, या फिर आप उनके एक अभिभावक हों, या फिर आप उनके एक टीचर हों, तो दोस्तों वीडियो आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, अगर आप लोग बताएं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, आपको बता दें आज दोस्तों शाम को 4 बजे लाइव आने वाले हैं, जिसमें सभी विद्यार्थियों के जो मन में सवाल उठने वाले हैं उन सभी सवालों को जवाब देंगे शाम को 4 बजे दोस्तों, जो कि आपको इस चैनल पर लाइव मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और शाम को 4 बजे आपको मैं लाइव आऊँगा, उसमें डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी आपके सामने लाइव होंगे, जो भी क्वेश्चन होगा वो पूछ लीजिएगा। लेकिन अगर आप लोगों को बताएं कि नई घोषणा के तहत आप लोग बताएं कि विद्यार्थियों को पेपर कराना आवश्यक हो चुका है, और दोस्तों कुछ राज्यों में, यानी कि 3 राज्यों में विद्यार्थियों को प्रमोट किया जा सकता है, और कुछ राज्यों में प्रमोट किया भी गया जा चुका है, जैसे बंगाल में प्रमोट किया भी जा चुका है, और दोस्तों आप लोगों को बताएं दिल्ली में प्रमोट किया जा सकता है, और पुणे, महाराष्ट्र, मुंबई, इन जगहों पर विद्यार्थियों को 10वीं वाले विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा, 12वीं वाले विद्यार्थियों के पेपर कराए जाएंगे ज़्यादा तादाद में सेंटर बना के। लेकिन अन्य राज्यों की अगर हम बात कर लेते हैं तो दोस्तों बता दें कि 2021 के बोर्ड एग्जाम कराना बेहद जरूरी है, क्योंकि विद्यार्थियों को साल भर में उनको वर्चुअल के हिसाब से, वर्चुअल माध्यम के हिसाब से पढ़ाई तो नहीं हो पाई पूरी तरीके से, लेकिन जो भी हुई है उस हिसाब से पेपर लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि इंटर वाले विद्यार्थियों के लिए खासकर, क्योंकि आगे की तैयारियाँ करनी होगी उनके लिए। तो दोस्तों सरकार ने यह बताया है कि प्रैक्टिकल में आप लोगों को प्रमोट किया जा सकता है, यानी कि प्रैक्टिकल के जो होते हैं वो आप लोगों को शायद प्रैक्टिकल ना कराया जाए, शायद दोस्तों, यानी कि 80% प्रैक्टिकल ना हो, वो आपको शाम को 4 बजे पता चलेगा, जो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक बताएंगे प्रैक्टिकल होंगे या प्रैक्टिकल में आप लोगों को प्रमोट कर दिया जाएगा, सीधे आप लोगों को परीक्षा ही देनी पड़ेगी। अगर और आप लोगों को ये भी बता दें, अगर प्रैक्टिकल कराए जाएंगे तो आप लोगों को प्रैक्टिकल हर साल की तुलना में इस साल उस तरह के नहीं होंगे, आप लोगों को प्रैक्टिकल में थ्योरी लिखी जाएंगी, आप लोगों को पेपर दिया जाएगा, वो प्रैक्टिकल आप लोगों को थ्योरी पूछी जाएंगी, थ्योरी में लिखना होगा। और इस साल आप लोगों को रमेश पोखरियाल निशंक जी ने साफ तौर से कहते हुए कहा कि किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं करना है, सारे विद्यार्थी पास कर दिए जाएंगे और अच्छे नंबर से पास होंगे, और आप लोगों को एग्जाम दोस्तों है मार्च के आखिरी तक स्टार्ट करा दिए जाएंगे। दोस्तों मार्च महीने में आप लोगों के 2021 के बोर्ड एग्जाम 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों के कराए जाएंगे, ऐसा रमेश पोखरियाल निशंक जी ने अपने पिछले बयान में कहा था। और आगे का जो रणनीति है वो आज शाम 4 बजे जो लाइव आएंगे तब उसमें बताया जाएगा। दोस्तों अभी तक के हम इतना ही कर सकते हैं कि आप लोगों को मार्च महीने में पेपर कराए जाएंगे, और आप लोगों के दोस्तों जो प्रैक्टिकल है उसमें या तो फिर आपको जनवरी के आखिर तक स्टार्ट किया जाएंगे, और या फिर थ्योरी के माध्यम से कराए जाएंगे, या फिर 90% या 10% आप लोगों को थ्योरी के माध्यम से कराए जाएंगे, या फिर 90% आप लोगों को प्रमोट किया जाएगा दोस्तों। और आप लोग बता दें बंगाल और मध्य प्रदेश, दोस्तों बता दें मध्य प्रदेश में विद्यार्थियों को प्रमोट को लेकर चर्चाएं ज़्यादा तेज चल रही है, मध्य प्रदेश बंगाल दोस्तों यहाँ पे प्रमोट की बात हो रही है, वहीं दिल्ली में, महाराष्ट्र, पुणे, मुंबई, इन जगहों पे विद्यार्थियों को कक्षा 10 वाले विद्यार्थियों को 9th के बेस पे प्रमोट किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों अन्य राज्यों में विद्यार्थियों के क्या राय, या फिर आपके क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा अपने विद्यार्थियों, अपने दोस्तों, अपने भाई बहनों के पास। तो दोस्तों आज तक के वीडियो में इतना ही, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और शाम को 4 बजे हम लाइव जरूर आएंगे, उसे जरूर देखना चाहिए।